सियाम बरादर सुधा बिरा आया झूठ का सिलेंडर नहीं एटीएमएसएम ईटीएलपी दोनों ही टीम संजय दरार दानगांव के मैदान ऐतिहासिक मैदान में 2022 में पहले बार प्रवेश किए और दोनों ही टीम थर्ड राउंड में जगह बना लिए हैं। देखना पड़ेगा फाइनल सेमीफाइनल में कौन सा खिलाड़ी जगह बनाती है और जो बनाती है जो प्लेयर शॉर्ट आउट में जो जीतेगी उसी के साथ खेला जाएगा सेमीफाइनल मैच। और आसपास के खिलाड़ी है पहले बार निशांजन ब्रदर दानगांव के ग्राउंड में प्रवेश किए। हाँ प्लेट शॉट आउट में जो खिलाड़ी विजेता है आज बहुत बहुत थैंक यू गोला साई के खिलाड़ी पीर से सीधे पैनल में जगह बना ली है। लगता है हमको इसी साल भी गोला साई के टीम प्लेयर बहुत ही जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं अगले साल भी हम लोग पीरी में टीम मिल सके इसी तरह की मेहनती करने वाले गोला साई के खिलाड़ी। हाँ सेमीफाइनल में जगह पा चुके हैं गोंडवा बराबर गोला साई और चलती मैच में अगर कोई खिलाड़ी विजेता बनती है निश्चित रूप से गोला साई के साथ खेला जाएगा। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ दोनों ही टीम बराबरी पर खेल चल रही है एटीएम से जीटीपी के खिलाड़ी लगभग लगभग चल बस आस पास की टीम और सियाम ब्रदर सूरज विलास के खिलाड़ी लगभग सराय के आस पास की टीम है। संजय ब्रदर ऐतिहासिक दानगांव में पहला बार दोनों ही टीम पार्टिसिपेट की है और दोनों ही टीम अपना क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली और सेमीफाइनल के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं दोनों ही टीम और ये बहुत ही अच्छा मौका लेकिन सूरज के खिलाड़ी को बहुत अच्छा मौका मिला था गिटी पी गिट नहीं कम नहीं चालीस और 45 साल आस पास से खिलाड़ी आ रहे हैं संजय ब्रदर ऐतिहासिक दानगांव में खेलने के लिए और ये संचालन हो रहे गुमन जोंको के द्वारा हैंड बॉल पाउन दिखाते हुए सूरज के खिलाड़ी को और देखना पड़ेगा उतनी अच्छा पास देते हुए लेकिन
देखो हुआ गिटिल सिंह की कीपर मानना पड़ेगा। अपने हाथों में क्या चुंबक की तरह पकड़ते हुए इसी तरह को कीपर कहते हैं। दोनों ही टीम बहुत ही अच्छे मैदान के बीच बीच ये चल रही है। जितना मुर्गा प्रेमी को मिला हुए पांच छह तारीख को होते ही तो लो अतिक्रम तो के कहते हो पारा को सुसुन इसी को बड़ा गांव जो थी इन्हें मुकाम था ना लगभग लगभग ताट रहा था। दूसरा मैच उन्हें मुकाम था ना अंतिम मैच आज का बी ग्रुप का जैसे हमको हमारे जो जो कल नहीं आए तो उसको बताना चाहते हैं आप। एक ग्रुप से जो कल विजेता बनी है मानिस ब्रदर्स चाहे मानिस एफसी मानिस एफसी लगभग चैबा के आसपास की टीम है। बहुत ही अच्छे ग्रुप का प्रदर्शन दिखाकर फाइनल में जगह बना ली। राम जय हिजे के साथ में दिलीप ने खिलाए थे खेले थे उसमें प्लेट शॉट आउट के द्वारा मानी सेफ थी। मानिस ब्रदर मानिस एफसी कल का टीम फाइनल में जगह सुरक्षित बनी है।